तो सुबह मैंने एक बात कही थी कि पहला संकल्प को फॉलो करना, और संकल्प से हमारे क्या बनते हैं? मेरे संकल्प से क्या बनते हैं? सब हाथ करो, मेरे संकल्प से क्या बनते हैं? देखो भट्टी मारा पक्का हो जाना, एक एक चीज आप इसमें पक्का हो जाना चाहिए, नहीं तो तीन दिन क्लास चल रहा है, बाद में कहोगे पता नहीं भाई क्या 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 क्या, क्या बोला था, अच्छा बोला था क्या? मैं इसलिए पक्का कर रहा हूं ताकि आपकी रंग रूप स्वाद खुशबू शक्ति सब बदल जाए। जब आटे को मैदे को पहले पानी में गूंथ के जब भट्टी में डालते हैं फिर निकलता है उसका रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है, खुशबू शक्ति। तो ऐसे ही ये तीन दिन में जो तीन दिन कंटिन्यू कर रहे हैं गारंटी, लेकिन आप नहीं घुस रहे, अगर पट्टे में एक चीज पक्का करोगे कान बाबा ये लेट हो गया ये से ही इसी बाबा को टेढ़ा कर दिया था ऐसे कोई सीधा देखो ना बाबा की मस्त है, बाबा कहाँ है इधर 24 घंटा, बाबा कहाँ है कभी ये कर लो कभी वो कर। फिर जब योग में आप बैठेंगे कल सुबह की जो क्लास होने वाली है सिद्धि स्वरूप बनने में बड़ा आनंद आएगा। कि सिद्धि स्वरूप शक्ति स्वरूप बनना कैसे है, उसके लिए क्या खाना चाहिए, कर्म इंद्रियों की श्रृंगार कैसे करनी है। देखो मैं देख रहा था कोई मान लीजिए ऐसे करेगा ना, अच्छा बहुत अच्छा, ये बदलना है हमारे जो भी एक्ट होता है। मुझे क्रोध आ रहा है बात हो गया लेकिन तुरंत कुछ शांत कैसे हो, बढ़िया बोलो बढ़िया। तो हमारे संकल्प से जो चित्र बनते हैं और पहला संकल्प को फॉलो करने से धीरे धीरे हमारी जो अंतर मन है जो शक्तिहीन हो गया है या नेगेटिव की ओर जाता है सुबह से शाम तक ज्यादा, हम पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं? अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं। फिर समस्या क्यों है, हमारी आदत कौन सी पड़ी है? नेगेटिव आदत पड़ी है, लेकिन ज्यादा हम पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, और उस नेगेटिव से पॉजिटिव बनने के लिए ये नई आदत को डालना है। तैयार हो? तो सबसे पहले सुबह उठ के आंखें खुलते ही अंतर मन को बता देना है कि सफलता 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 सफलता। क्या अभी जो गाना सुना था आपकी दृष्टि देते हुए, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, इतना दुख भरी गाना है, सफलता ही सफलता सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में, भविष्य भविष्य का स्वर्ण जन्म मेरा, भविष्य भविष्य का स्वर्ण जन्म मेरा। मैं भविष्य भविष्य का स्वर्ण जन्म मेरा,
अहंकार में सत्कार ये मंत्र ऐसा है जो आपके जीवन को संपूर्ण शक्तिशाली से निश्चल बना देगा। कूट कूट के शब्द भर जाना चाहिए। अंतर मन पूछता है क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, चोट लगे क्या चाहिए, नुकसान हो गया क्या चाहिए, ये सब नहीं करना। तो हमारा पहला संकल्प सिद्धि स्वरूप बनने के लिए आगे बढ़ाता है। आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति। ये लाइट का स्वधर्म क्या है, प्रकाश देना। लेकिन आज अगर हमने लाइट लगाया, ट्यूबलाइट लगाया, हमने उसको लगा दिया नया, इतना अच्छा प्रकाश आएगा, आएगा ना। लेकिन उसको एक साल के बाद अगर हम रोज लाइट जलाते रहे तो ठीक है, लाइट भी ठीक है, करंट भी ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक साल के बाद उतना रोशनी आएगी उसमें से, दो साल के बाद, पांच साल के बाद, हजार साल के बाद, फ्यूज नहीं हुआ है लेकिन लाइट ठीक है, लेकिन प्रकाश क्यों नहीं आ रहा है, धूल मिट्टी सबको पता है। आत्मा उतनी शक्तिशाली जितनी की बाबा के अंदर शक्तियां सिद्धियां है। इसीलिए तो बाबा बोलने में कहता है कि मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। जो किसी साधु संतों ने आज तक 5000 साल में किसी ने नहीं कहा कि मैं गुरु हूं और तुम भी गुरु हो, नहीं मैं गुरु हूं तुम। लेकिन बाबा ने क्या कहा, मैं अगर भगवान हूं तो तुम भी मास्टर भगवान हो। बाबा ने कभी भी नीचा नहीं देखा, इतना ऊंचा उसे देखा नहीं। बाबा जानता है आप हो, क्योंकि आपके अंदर भी उतनी शक्तियां हैं। लेकिन है तो कहां गया, कहां गया, मेरा धूल आदत संस्कार बट गया है कि मैं कर नहीं सकता हूं। अज्ञानता की जो धूल है मेरे अंदर, मेरे ऊपर, आत्मा के ऊपर, तो उसको निकालना है। बस निकालोगे, सहज तरीका, बहुत ही सहज तरीका है। पहला संकल्प को फॉलो करना है। क्या करना है बोलो सभी, पहला संकल्प को। एक मैं छोटा सा अनुभव होता था, मुस्कुरा के सभी सुनना, मुस्कुरा के सुनना, छोटा सा अनुभव है, ज्यादा बड़ा नहीं। एक बार ज्ञान सरोवर में 93 की बात बता रहा हूं, 93 में ज्ञान सरोवर में सेवा कर रहा था चार डिपार्टमेंट में। तो वहां से मुझे जाना था पांडव, तो उस समय मेरा पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट अभी भी है, लेकिन अभी टाइम कम मिलता है। जो भी है उसमें लाइब्रेरी की जितनी भी किताब है, जो मुस्कुराए, तो मैं किताब लाता था पढ़ के भी दो दिन में रिटर्न करता। तो 93, 94, 95 तक लगातार पढ़ता रहा कि जितना पढ़ोगे लिखोगे, जितना पढ़ोगे लिखोगे क्या होगा। पढ़ता गया, पढ़ने की बहुत आदत थी बचपन से, कोई भी किताब मिलता पहले पढ़े, बस इतना इंटरेस्ट था। जैसे खाना खाते ना, अच्छे लगे रोटू हलवा खा लो खा लो, ऐसे किताब भी पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट था। और मदरसे में गया, हिंदी तो आती नहीं थी, तो पढ़ना शुरू किया हिंदी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू किया। तो 95 में कॉन्फ्रेंस हुआ गया, कॉन्फ्रेंस में काफी सारे गेस्ट आए थे और गेस्ट जाने लगे। और उसी दिन सुबह हमारे डिपार्टमेंट में चाय में बना के, क्योंकि चाय डिपार्टमेंट में सेवादारी होते थे, तो उसमें नाश्ता कर रहा था 8 बजे। नाश्ता करते हुए अचानक मेरे मन में संकल्प उठता है, एक संकल्प कि आपको जाना चाहिए पांडव को, पता नहीं पता नहीं। आप बैठे रहते हो, अचानक संकल्प आता है, अरे पीछे की तरफ जाओ, पता है कौन सी सीरियस बात है, आप चेहरा क्यों बिगाड़ रहे हो। कितना बाबा कितना पीछे पड़ा है, मुस्कुरा मुस्कुरा रमेश भाई नहीं है, बाबा बोलते हैं सदा हर्षित रहो सदा मुस्कुरा हसी। तो जैसे ही संकल्प उठता है, तो मैंने उस समय से किताब पढ़ा और बाबा की मुरली में जो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प,
एक संकल्प में टिके रहना, एक संकल्प क्या होता है, मैंने अभ्यास किया कि एक संकल्प जो मेरा उठता है और जो अच्छा संकल्प है, किसी को दुख डालने वाली नहीं, जिसमें किसी को नुकसान ना, ये इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरा संकल्प उठ रहा है वो मुझे पहले कुछ बोला था, आज मेरे सामने है कोई तो है नहीं, एक थप्पड़ मारो तो ये संकल्प तो श्रेष्ठ है ही नहीं। तो ये नेगेटिव संकल्प नहीं, जो पॉजिटिव संकल्प है उसको खोलो, खोलो करना, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है, शांति सुख आनंद पवित्र, वो कभी भी दुख नहीं देना चाहता है। लेकिन ये जो रावण की संस्कार देह में आने के कारण द्वापर से हमारे अंदर आदत पड़ गई है लूट मार ये वो करने की, तो वो जो आदत पड़ी है उसको छोड़ना है कि नहीं। इसी तरीके से मैंने कहा ये तो संकल्प उठा पांडव भवन जाना है, ये संकल्प उठा ना चलो फॉलो कर ले, जो संकल्प उठा उसको फॉलो करना, तो मैं फॉलो किया फटाफट नाश्ता पूरा करके रूम में गया। मैंने कहा जाओ तो क्यों जाओ, चलो एक किताब लेके चलता हूँ लाइब्रेरी की किताब, तो लाइब्रेरी की किताब लेके जाके मैं ट्रांसपोर्ट में खड़ा हो गया, तो उस समय ट्रांसपोर्ट के भाई लोग थे, तो मैंने कहा भाई कोई गाड़ी है, बोला अभी तो कोई गाड़ी नहीं, गाड़ी थी वो खराब हो गई है अब 15 मिनट लगेगा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं वेट कर लेता हूँ। तो वहाँ खड़ा था, उतरे में ही जीप आ गई, तो वो बाहर का जीप था, तो ट्रांसपोर्ट वाला का फेस सीरियस हो गया भाई लोग, तो ट्रांसपोर्ट में जब हम वहाँ खड़े थे तो मैंने कहा रमेश भाई आपको जाना था ना, मैंने कहा बैठ जाओ इस गाड़ी पे बैठ जाओ ये जा रहा है आपको छोड़ देगा, मैंने कहा ठीक है बैठ गया। वो गाड़ी वाला था बाहर का ड्राइवर था, पीछे दो गेस्ट को लेने के लिए आया था, तो गेस्ट को लेके जा रहा था, तो मैं भी बैठ गया, तो गाड़ी वाले ने बड़े अच्छे तरीके से गाड़ी चलाया, जैसे ही जान से गाड़ी छोटी तुरंत उसकी जो एक्सीलेटर जोर से दबाया, कुछ अच्छे नशे में थे भाई तो इतने अच्छे नशे में थे 60, 70, 80, 90, 100 हो गया स्पीड भाई, 300 से कितना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, लेकिन 100 स्पीड में यूं यूं चला गया। अब क्या करेंगे, जोर से पकड़ के रखा, तो पीछे दोनों भाई भी बैठे, अब उसके हाथ में स्टीयरिंग है सब कुछ है, चलाया चलाया 300 में डर लगा आपने देखा होगा, तो वो टर्न में 120 स्पीड हो गया था, लेकिन वो कंट्रोल कर नहीं पाया, वो जो खड्डा था बहुत अच्छा खड्डा है, तो 3 सेकंड के लिए मेरा वो जो गाड़ी था उसको विमान बन गया, वाह बोलो वाह। उसके बाद गाड़ी ऐसे बन गई, नहीं तो चेहरा ओहो, फिर दोबारा पलटी खाया, तीसरी बार पलटी खाया, चौथी बार पलटी खाने के बाद रुका, और जब पलटी खा रहा था पीछे जो बैठे थे जैसे पलटी खाया सिर पे लगा धड़ाम, तो 4-5 पलटी खाने के बाद गाड़ी रुकी और सब कांच फांच जो टूट गया था मैंने देखा वही ठीक ठाक हूँ, बाकी सब पड़े हुए कोई आवाज नहीं निकल रही, तो बाहर निकला कुछ भी नहीं हुआ था, थोड़ी सी कांच की टुकड़ा यहाँ ही लगी थी, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, बाहर निकला तो बाहर सब ठीक ठाक है, कोई दर्द कुछ नहीं हुआ। पीछे जो भाई थे दोनों ऐसे पड़े हुए थे, एक का कमर टूट गया एक हाथ टूट गया, तो उन दोनों को निकाला, तब ग्लोबल हॉस्पिटल बन चुका था, तो उन्हें लेके साइड में खींच खींच के लेके साइड किया, फिर ड्राइवर को भी स्टेरिंग घुस गया था उसको भी निकाल, तो तीनों को निकाल के रखा, रोड के ऊपर गया और देखा तो ग्लोबल से गाड़ी आ रही है, मैंने कहा भाई साहब ये एक्सीडेंट हो गया है आप इनको लेके जाओ हॉस्पिटल जल्दी, बोला आप, मैंने कहा मैं तो ठीक था गाड़ी में थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं इनको लेके जाने ठीक। तो उसमें हमारे चंद्रमणि दादी जी थी, तो मैं कोई भी बात होती थी तो दादी जी के पास जाके सुनाते थे, मैं आज दादी जी को कहने गया, मैंने कहा दादी जी क्या कहेंगे, बोल देते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ दादी जी, हम जा रहे थे पांडव भवन और इतनी बड़ी एक्सीडेंट हो गया, दादी जी कैसे हंसती है आपको पता है, राजा जैसे हंसती है ना, चंद्रमणि दादी किसने देखा है, हाँ
तो दादी जी इतनी मुस्कुराई और रमेश का नया जन्मदिन हुआ, नया जन्म हुआ, लाओ 1 किलो बादाम लाओ। तो आप क्या सोच रहे हो, क्या मेरा संकल्प जो पहला संकल्प उठा था बादाम खाने के लिए, बादाम तो मिल गया खुशी से लगे, तो क्या मेरा संकल्प उठा था वो एक्सपेंड कराने के लिए, या संकल्प उठा था पांडव बन जाने के लिए? जिन आत्माओं के साथ आपकी हिसाब किताब है उस स्थान पर आप पहुंच जाएंगे, कैसे भी कुछ भी तरीका बन जाएगा, लेकिन अगर आप योग शक्ति से संपन्न बाबा आपके साथ हैं, उन आत्माओं की सुरक्षा आप करेंगे। हाँ ना? तो इसीलिए उस दिन से मैंने देखा सिद्धि सनातनी की सहज है पहला संकल्प जो आप फॉलो करते हैं, लेकिन पहला संकल्प को फॉलो कैसे करें? रास्ते में जा रहे हैं, दो रास्ता है, आप अनजान हैं और आपको इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, आपको पहुंचना है अपनी मंजिल पर तो ये शॉर्टकट है, लेकिन इधर जाएंगे तो कहीं और पहुंच जाएंगे, लेकिन आप इस जगह पर आपकी गाड़ी अभी पहुंच गई है और आप सोच रहे हो रास्ते में कोई भी नहीं है किसी को पूछने के लिए इधर जाऊं इधर जाऊं, कोई साइन बोर्ड भी नहीं है, तो क्या करोगे? चलो आजकल तो गूगल हो गया है, चलो मोबाइल भी नहीं है, तो क्या करोगे? मन से पूछो, मन बता दो, वो अपने आप होगा। कब होगा? जब आप ट्रेनिंग दोगे। कैसे? अगर सुबह उठे आंखें खुले मुस्कुराए, अभी उठ के बैठना चाहिए तो बैठना चाहिए, नहीं तो आप रात को सो जाते हैं। कितने बजे उठना है सुबह? बोलो बोलो, कितने बजे? अरे 4 बजे उठोगे तो 5 बजे बोलोगे कि नहीं 3:30 बजे उठना है। कितने बजे? चलो पौने 4 बजे उठना है। कितने बजे उठना है? उठ के उसके बाद के एक संदर्भ पता है, बस और 2 मिनट आता या नहीं, आता या नहीं, 2 सेकंड, कोई कुछ नहीं कहते, अरे 2 सेकंड बस मम्मी, 2 सेकंड पापा, 2 सेकंड भैया, 2 सेकंड बहन, 2 सेकंड, अरे उठ जाओ, नहीं नहीं बस 2 सेकंड। ये जो दूसरा संकल्प आया आपको कितना घंटा सो रहा है? 2 घंटा। देखो दो, हमने पहले संकल्प को जब हमने छोड़ दिया तो क्या नुकसान हुआ या नहीं? अगर उस समय से पहला हमने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया तो अंतर मन जो जी बैठा है क्या चाहिए, मेरा संकल्प को फॉलो किया तो तैयार है, बैठना मना बैठना, ठीक है, या दूसरे संकल्प को फॉलो करो, नहीं और 2 मिनट और 5 मिनट तो क्या होगा? नुकसान। पहला तरीका अगर गलत हो गया तो जीवन भर भी गलत हो जाता है। पहला प्रोडक्ट में अगर मशीन के अंदर कोई प्रोडक्ट निकालना है, अगर छोटी सी स्क्रू भी ढीला है तो सारे प्रोडक्ट क्या होता है? सब्जी कितना अच्छा टेस्टी बनाओ, नमक जरा सी कम है तो सारी टेस्ट गायब। हाँ या ना? तो थोड़ी सी हमें छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं दूसरे संकल्प को फॉलो करते हैं। फॉलो करना है कौन सी? हमारे शरीर द्वारा सुबह से लेकर शाम तक जो पहला संकल्प आता है, अभी मुझे यहाँ जाना है, जाना है मुरली क्लास, जाना है ना, जाना है, नहीं सोच रहा हूँ जाऊंगा तो अंदर जाऊंगा तो मुरली क्लास, क्योंकि संकल्प की इतनी तेजी से आती है ना, उसकी शक्तियां हम निर्णय कर नहीं पाते, और जिस समय आप शरीर को ट्रेनिंग देना शुरू कर दोगे सुबह से लेकर शाम तक, एक माता जी बोलने के अनुभव सुनाया आपने, सबसे पहली बैठी 2011 में जो हुई थी, माता जी ने कहा मैं घर से निकली सेंटर जाना था, देखा बारिश हो रही, तो मेरे संकल्प आता है कि मुझे जूते पहनना चाहिए आज, क्या पहनना चाहिए, क्योंकि पानी है स्लिप करेगा कुछ होगा चप्पल से, तो इसलिए जूते पहनना चाहिए। मैंने सोचा कि जूते क्यों पहने, गंदा हो जाएगा, इतना नया फ्रेश जूता आराम, बड़ी महंगी जूती है, इसको नहीं पहनता हूँ, मैं चप्पल पहन के जाता हूँ। तो दूसरे संकल्प को फॉलो किया, चप्पल पहन के गई और फिसल गई, टूट गई, पे 1 महीना बेड रेस्ट। ऐसे कई बार होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला सबसे पहले ट्रेनिंग देना है अच्छे कर्म करने के लिए, शरीर के द्वारा जो होता है ऑटोमेटिक अंतर मन मान लग जाए।